हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 12वां अध्याय श्लोक संख्या 1, 2 एंड 3। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांबरधरुणबिंबफल दरुष्टात् पूर्णेन्द्रसुंदरमुखात् अरविंदनेत्रात्परं किमपि तत्व अहं न जाने। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति येस्तवे वेदेसांगपत् कामोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततत्कतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न वेदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकीं पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासवी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथा श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद 12वां अध्याय, जिसका शीर्षक है सम्राट परीक्षित का जन्म। जब यहाँ तक कथा सुनी शौनक मुनि अर्थात जो 88,000 ऋषि मुनि थे वो बैठे हुए थे और कथा श्रवण कर रहे थे, और जब
सुत गोस्वामी ने बताया कि भगवान द्वारिका में आ गए हैं, अभी आनंद के साथ अपनी पटरानियों के साथ युद्ध नहीं कर, मतलब युद्ध पे अब नहीं जा रहे हैं और वहां पर आनंद से रह रहे हैं। और अब भगवान ने जिस उद्देश्य से जन्म लिया था कि पृथ्वी से अधर्मियों का सर्वनाश करना था, वो तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में हो गया। इसके बाद अब भगवान किसी का वध नहीं करेंगे और पृथ्वी का भार दूर करके अब ये भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में सुख से रहेंगे। तब सोनक मुनि ने सोचा कि यहाँ पर तो सुत गोस्वामी वाइंड अप कर रहे हैं कि भाई भगवान अभी आनंद से अपनी पटरानियों के साथ रह रहे हैं, लेकिन वो बातें जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताई वो तो बताई नहीं उन्होंने अभी तक, क्योंकि पहले इन ऋषियों ने सुत गोस्वामी से महाराज परीक्षित के विषय में प्रश्न किया था और सुत गोस्वामी ने बोला भी था सातवें अध्याय के श्लोक नंबर 12 में, है ना, 1.7.12 में सुत गोस्वामी ने कहा था, परीक्षितोत्थ राज ऋषि जन्म कर्म विलापनम संस्थाम च पांडु पुत्राणाम वक्षी कृष्ण कथोदयम। सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को संबोधित करते हुए कहा कि अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राजर्षि राजा परीक्षित के जन कार्यकलाप तथा मोक्ष के विषय में वार्ताएं एवं पांडु पुत्रों द्वारा गृहस्थ आश्रम के त्याग की कथाएं सुनाने जा रहा हूं। लेकिन जब सुनाना शुरू की तो क्या हुआ कि जैसे ही अश्वत्थामा का बाण छूटा था और परीक्षित महाराज जो कि अभी उत्तरा के गर्भ में थे उनको मारने के लिए उन्होंने चेष्टा की थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। और उसके बाद सूत गोस्वामी कथा को इस तरह से ट्रन लेके गए कि उन्होंने अर्जुन के विषय में बताया कि अर्जुन ने जो दंड दिया, फिर महारानी कुंती की प्रार्थनाओं के विषय में बताया और फिर उसके बाद परीक्षित का जन्म नहीं बताया, उत्तरा ने जो प्रार्थना की वो भी बताया लेकिन परीक्षित का विषय में कुछ भी नहीं बताया। फिर कहाँ चले गए, जो युधिष्ठिर महाराज बहुत ज्यादा संताप में थे उधर उनके बारे में बोला, फिर युधिष्ठिर महाराज को लेकर भीष्म देव के पास गए और फिर भीष्म देव की प्रार्थनाओं के विषय में बताया। और उसके बाद क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण कुछ समय तक द्वारिका में रहे युधिष्ठिर महाराज और अन्य पांडवों के साथ, और द्वारिका में रहने हस्तिनापुर में रहे और हस्तिनापुर में रहने के बाद अब भगवान आनंद से द्वारिका में आए, बहुत सारा आनंद लेकर बहुत सारे जगहों से घूमते फिरते आए और अब यहाँ पर आनंद से। तो सूत गोस्वामी इन्हें जब ऐसे लिया तो यहाँ पर मतलब लीला समाप्त कर दी, लेकिन शौनक मुनि ने सोचा कि वास्तव में जो हमें सुनना था, जो महाराजा परीक्षित का निधन कैसे हुआ, महाराजा परीक्षित को श्राप कैसे मिला और सुखदेव गोस्वामी ने कैसे उनको भागवत कथा सुनाई और क्या क्या उनके सेंटर में वार्तालाप हुआ, वो सुनना था, वो तो इन्होंने बताया ही नहीं है। इसलिए आज शौनक मुनि पुनः एक प्रश्न करते हैं। शौनक उवाच अश्वत्थामोपसृष्टेन ब्रह्मशेषो रुत्तेजसा उत्तरायाः तु गर्भ ईशेना जीवितः पुनः अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशेषो रुत्तेजसा उत्तरायाः तु गर्भ ईशेना जीवितः पुनः अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशेषोरुत्तेजसा उत्तरायाः तु गर्भ ईशेना जीवितः पुनः। श्री शौनक उवाच, अर्थात शौनक मुनि जो कि उन 88,000 ऋषियों में प्रधान थे,
क्योंकि 88,000 ऋषियों का जो भी प्रश्न होता था वो एक एक करके अलग अलग अगर पूछते तो बहुत वहां पर पैनिक हो जाता, ऐसे सब लोग का शोर आता था ना, मेरा क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन। तो इस तरह से उन सब ने सूत गोस्वामी शौनक मुनि को नियोजित किया था कि कोई भी प्रश्न होगा तो आप ही पूछना। अब शौनक मुनि उनसे पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी से अश्वत्थामनोपसृष्टेन, कि आपने बताया था ना अश्वत्थामा ने एक बाण चलाया था और वो उपसृष्टेन का मतलब है छोड़ा, जब उन्होंने ये बाण छोड़ा था तो ब्रह्म शीर्षा, तो ये अजय शस्त्र था, ये ब्रह्मास्त्र था, इतना भयंकर था कि उनसे कुछ कोई भी बच्चा नहीं जा सकता था। ब्रह्मास्त्र अजय अस्त्र होता है, तो ब्रह्म शीर्ष उरु तेजसा मतलब उसके अंदर तो बहुत ही भयंकर अग्नि होगी, भयंकर तेज होगा उसके अंदर, तो फिर इतनी ताप, इतना भयंकर ताप है, तो जो कोई भी बड़े से बड़ा अगर व्यक्ति होगा तो उसको भी वो जलाकर भस्म कर देगा, कितना ही हमारे पास अगर पावर होगा तो भी। क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र था इसलिए वो कभी विफल नहीं होता है, तो जब वो छोटा सा बच्चा जो कि उत्तरा के गर्भ में था, अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया था, उत्तरायाम हतो गर्भ, उससे डेफिनेटली उत्तरा का जो गर्भ है यानी जो परीक्षित की माता के अंदर गर्भ के अंदर उत्तरा के सॉरी परीक्षित महाराज उत्तरा के गर्भ के अंदर बैठे हुए थे, हतो मतलब नष्ट हो गया था, गर्भ तो नष्ट ही हो गया होगा ना। फिर ईशेना जीवित पुनः, ईशेना मतलब उस ईश्वर ने, भगवान श्री कृष्ण ने, परमेश्वर ने आजीवित मतलब जीवित कर दिया पुनः यानी फिर से। आपने बताया कि उन्होंने फिर से पुनः उसको जीवित कर दिया, तो वो वाली कथा हम वापिस से सुनना चाहते हैं। मतलब यहाँ पर शौनक मुनि इस कथा के विषय में बहुत आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि ये इतना भयंकर ब्रह्मास्त्र है और उससे वो छोटा सा बच्चा बच गया भगवान की कृपा से, कितना आश्चर्य है। लेकिन ये कृष्ण की लीला में ये आश्चर्य नहीं है, भगवान तो स्वाभाविक ऐसे कार्य करते रहते हैं। पहले भी जब वो गुरुकुल में थे छोटे से, तब वो सांदीपनि मुनि ने जब गुरु उनकी शिक्षा समाप्त हुई तो भगवान ने कहा आपने हमें बहुत ही प्रेम से शिक्षा दी, हम चाहते हैं कि हम आपको गुरु दक्षिणा दें आपकी इच्छा के अनुसार, तो कृपया आपको जो चीज की आवश्यकता है आप बताइए, हम आपको अवश्य प्रदान करेंगे। संदीपनि मुनि ने कहा मुझे नहीं पता, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता भी नहीं है। तो बोला आप गुरु माता से पूछ लीजिए, क्या खबर उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता हो। संदीपनि मुनि गए, अपनी पत्नी से पूछा कि ये जो कृष्ण बलराम है ना, वो कोई साधारण शिष्य नहीं है, साक्षात परमेश्वर के अवतार है, तो मैं ये आज जा रहे हैं अपनी शिक्षा समाप्त करके और गुरु दक्षिणा के लिए आग्रह कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि आपकी कोई भी इच्छा हो तो अवश्य कहिए, ये अवश्य आपकी उस इच्छा को पूरा करेंगे। जैसे ही गुरु माता ने ये सुना कि ये परमेश्वर है, तो उन्होंने सोचा अब परमेश्वर है तो उनसे साधारण वस्तु क्या मांगी जाए, है ना, उनसे तो कोई ऐसी वस्तु मांगी जाए जो केवल परमेश्वर ही दे सकते हैं, केवल भगवान ही दे सकते हैं। तब गुरु माता ने कहा कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई थी, वो समुद्र के तट पर हम गए थे, वहां से वो समुद्र में गिरकर डूब गया था, तो फिर मुझे वो पुत्र वापस चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि वो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सुखदेव गोस्वामी ने कहा सॉरी शौनक मुनि ने कहा है ईशेना जीवित पुनः, वो भगवान है, वो पुनः जीवित कर सकते हैं, जो मर गया था पर कृष्ण ने उन्हें पुनः जीवित कर दिया वास्तविक। और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है कि गर्भ के अंदर परीक्षित महाराज की मृत्यु हो गई थी, वास्तव में शास्त्र में दो तरह की बात आती है, श्रीमद् भागवतम में भी दो तरह की बात लिखी है, एक ये
कि भगवान ने गर्भ की रक्षा की और परीक्षित महाराज मरे नहीं। पर इसी शास्त्र में अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि उत्तराया हतो गर्भ, उत्तरा का गर्भ हत हो गया था, नष्ट हो गया था, मर गया था, ईशेना जीवित पुनः, और भगवान ने उससे पुनः जीवित कर दिया। तो इसमें से क्या सत्य है, प्रश्न उठता है, शास्त्र में कौन सी बात, ये दो बातों में से क्या सच है। वास्तविकता ये है कि बच्चा मरा नहीं था क्योंकि भगवान ने उसकी रक्षा की थी। तो फिर यहाँ पर क्यों लिखा हुआ है उत्तराया हतो गर्भ, इसका उत्तर ये है कि ही शास्त्र का एक स्टाइल है। शास्त्र इसका अर्थ क्या है कि वास्तव में अगर कृष्ण नहीं बचाते तो मरना निश्चित था, क्योंकि ब्रह्मास्त्र से बचना इम्पॉसिबल, संभव नहीं था। जैसे अगर किसी व्यक्ति को बहुत ही भयंकर बीमारी लग जाती है, वो सारे डॉक्टर्स करके देख लेता है, लेकिन कोई एक आध्यात्मिक शक्ति के कारण वो अगर बच जाता है तो सामान्य पुरुष भी कहेंगे ये तो मर गया था, लेकिन उस आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा वापस जीवित हो गया। भले अभी मरा नहीं होता है वो, लेकिन लगभग मर गया होता है। तो उसी तरह ब्रह्मास्त्र जिस पर छूट गया है, गर्भ में ब्रह्मास्त्र पलते हुए परीक्षित महाराज, इतने कोमल बच्चे होते हैं गर्भ में, ब्रह्मास्त्र तो बड़े बड़े प्राणियों की भी हत्या कर सकता है, तो डेफिनेटली उनकी हत्या हो जाती अगर भगवान जो है उनकी सुरक्षा ना करते। तो शौनक मुनि बहुत ही सुंदर बात पूछ रहे हैं, अश्वत्थामनोपशिष्टेन ब्रह्मशीर्षेण तेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेना जीवित पुनः। अनुवाद, शौनक मुनि ने कहा महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए अत्यंत भयंकर तथा अजय ब्रह्मास्त्र द्वारा भी नष्ट कर दिया गया था, लेकिन परमेश्वर ने महाराज परीक्षित को बचा लिया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते नैमिषारण्य में एकत्रित ऋषियों ने सूत गोस्वामी से महाराज परीक्षित के जन्म के विषय में प्रश्न किया, लेकिन वार्ता के बीच द्रोण पुत्र द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र, अर्जुन द्वारा उसे दंड, रानी कुंती देवी की प्रार्थना, पांडवों द्वारा भीष्म देव के पास जाना, उनकी प्रार्थनाएं तत्पश्चात द्वारिका के लिए भगवान का प्रस्थान जैसे विषयों की चर्चाएं की गई। यानी उन्होंने पूछा तो परीक्षित महाराज के बारे में था, परंतु उन्होंने बताते बताते अलग दिशा में चले गए। फिर कृष्ण का द्वारिका आना तथा 16,000 पत्नियों के साथ सहवास आदि की भी चर्चा की गई। सारे ऋषि मुनि इन वर्णों को सुनने में लीन थे, किंतु शिवप्रभुपाद जी बात बता रहे बहुत खास कि किंतु अब वे अपने मूल विषय पर लौटना चाह रहे थे, अतएव शौनक ऋषि ने इस तरह की जिज्ञासा की, वो वास्तविक मूल विषय क्या है भागवत सुनना चाहते हैं। तो वो वापस से परीक्षित महाराज की ओर आ रहे हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज को श्राप मिलेगा तब तो सुखदेव गोस्वामी भागवत महापुराण का पाठ बताएंगे, उनको भागवत महापुराण की चर्चा तब भी होगी। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु अब वे अपने मूल विषय पर लौटना चाह रहे हैं, अतएव शौनक ऋषि ने इस तरह की जिज्ञासा की, इस तरह अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र की चर्चा फिर से आ गई। आगे शौनक मुनि कहते हैं तस्य जन्म महाबुद्धि कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासी सप्रीत्य गतवान् यथा तस्य जन्म महाबुद्धि कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवासी प्रीत्य
गतवान् यथा। तस्य जन्म महाबुद्धि, कर्माणि च महात्मनः, निधनं च यथैवासी, प्रीत्य गतवान् यथा। शौनक मुनि कहते यहाँ पर तीन बातें सुनने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वे कहते तस्य जन्म महाबुद्धि, तस्य मतलब उनका, उनका तो किनका, जैसे पहले श्लोक में कहा है कि उत्तरायाम हतो गर्भ ईशे ना जीवित पुनः, वो गर्भ जो हत हो गया था, नष्ट हो गया था, उसको भगवान ने पुनः जीवित किया। और तस्य जन्म महाबुद्धि, वो महाबुद्धिमान राजा है। यहाँ पर परीक्षित महाराज की बहुत ही प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। तो जब उनका जन्म हुआ था तो उन्होंने कैसा आचरण किया, मतलब अगर वो उनका जन्म हुआ और जन्म होते उनका नाम परीक्षित रखा गया तो अवश्य इसमें कोई रहस्य होगा, क्योंकि परीक्षित का मतलब होता है परीक्षा करने वाला। अर्थात जब महाराजा परीक्षित का जन्म हुआ तो वो हर समय हर जगह पर देख रहे थे, परीक्षण कर रहे थे, वो उस छवि को भूल नहीं पा रहे थे जो उन्होंने गर्भ में देखी थी। भगवान का जो स्वरूप, भगवान का जो सुंदर स्वरूप उन्होंने गर्भ में देखा था, वो सारे समय केवल उसी का चिंतन करते थे। उन्हीं का चिंतन करते 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 जब उनकी उनका जन्म हुआ था ना, तो उस समय भी उनकी चेतना वही थी, वो वहां पर भगवान को स्मरण कर रहे थे, भगवान को देखना चाह रहे थे। वास्तव में भक्तों, गर्भ में जैसी चेतना होती है ना मनुष्य की, वैसी ही चेतना जन्म लेने के उपरांत होती है, और मृत्यु के समय जैसी चेतना होती है वैसी चेतना दूसरे जन्म में होती है। तो यहाँ पर तीन बातें पूछ रहे हैं और तीन बातें सुनने के लिए प्रार्थना करते हैं। तस्य जन्म महाबुद्धि, हम उसके जन्म के विषय में, कर्माणि च महात्मनः, वो परम भक्त हैं जिन्होंने जन्म से पहले ही कृष्ण के दर्शन किए, जन्म से पहले ही जिन पर भगवान की अहितु की कृपा हुई, उनका पूरा परिवार भगवान का भक्त है। कुंती महारानी, उत्तरा, पांच पांडव, जो सब भगवान के भक्त हैं, ऐसी संतान के कार्य कैसे हैं, वो महात्मा है। उन्होंने ऐसे कुल में जन्म दिया, ये कोई साधारण बात नहीं है, क्योंकि ऐसे कुल में उनका जन्म हुआ है तो वास्तव में उन्होंने बहुत बहुत शुभ कार्य किए होंगे, तभी तो वो पांडवों के वंशज बने, तो वो महात्मा है। तो उनके कर्मों के विषय में हम जानना चाहते हैं। निधनम च यथैवासीत, निधनम मतलब हम उनकी मृत्यु के विषय में भी यथे, जिस प्रकार एव निस्संदेह आसीत, हम उनकी मृत्यु के बारे में भी जानते हैं। अब उन्होंने कर्म कौन से, कर्माणि च महात्मना, उन्होंने कर्म कैसे किए, जाहिर सी बात है वो भक्त होंगे तो यज्ञ किया होगा, भक्तों की रक्षा की थी। सबसे बड़ा उनका कार्य क्या था जानते हैं, सबसे बड़ा उनके जीवन का कार्य था कलयुग का दमन किया था उन्होंने, कलयुग को अपने राज्य में आने नहीं दिया था। तो उनके कर्मों के विषय में जानना चाहते हैं। और सबसे ज्यादा सुंदर तो उनका निधन है, जिसके कारण हमें श्रीमद् भागवतम महापुराण की प्राप्ति हुई। तो निधनम च यथैवासी, जिस प्रकार से उनका निधन हुआ, प्रेत्य गतवान यथा, यहाँ पर कहते मृत्यु के बाद उन्होंने किस गंतव्य को पहुंचे, वो मृत्यु के बाद वो कहाँ पहुंचे, मतलब उनकी गति क्या हुई, गतवान यानी कौन सी गति को उन्होंने प्राप्त किया, यह था जिस प्रकार। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी से शौनक मुनि पूछ रहे हैं, अनुवाद, अत्यंत बुद्धिमान तथा परम भक्त महाराजा परीक्षित उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए, तस्य जन्म महाबुद्धि, कैसे उनका जन्म हुआ, उनकी मृत्यु किस तरह हुई, उनके कर्म क्या थे और मृत्यु किस तरह हुई, निधनम च यथैवासी, और मृत्यु के बाद उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की।
प्रत्येक गतवान यथा, मृत्यु के बाद उनको कौन सी गति प्राप्त हुई। श्री प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझा रहे हैं, कृपया मेरे साथ साथ श्रवण कीजिए तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते कम से कम महाराज परीक्षित के पुत्र के जीवन काल तक हस्तिनापुर यानी अब जो दिल्ली है उसका राजा विश्व का सम्राट होता था। यानी परीक्षित महाराज तो सही है, उनके पुत्र जन्मेजय इत्यादि तक भी जो हस्तिनापुर है वही विश्व का सम्राट होता था। महाराजा परीक्षित की रक्षा उनकी माता के घर में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा की जा चुकी थी, अतएव वे एक ब्राह्मण पुत्र के शाप से अकाल मृत्यु से बचाए जा चुके थे। यानी कि परीक्षित महाराज को जब भगवान गर्भ में रक्षा कर सकते थे तो क्या एक ब्राह्मण पुत्र के शाप से नहीं बचा सकते थे? अवश्य बचा सकते थे। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, चूंकि महाराजा परीक्षित द्वारा राज्य संभालने के बाद ही कलयुग में अपना कार्य करना शुरू कर दिया था, अतएव जो पहला कुलक्षण प्रकट हुआ वह था इतने बुद्धिमान तथा भक्त राजा महाराज परीक्षित का शापित होना। कलयुग का सबसे प्रथम जो लक्षण है वो यही है, पहला लक्षण यही उत्पन्न हुआ कलयुग का कि इतने बुद्धिमान और इतने भक्त राजा को शाप मिला है। तो आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, राजा तो असहाय नागरिकों का रक्षक होता है और उन सब का कल्याण शांति तथा संपन्नता उसी पर निर्भर होती है। इतना अच्छा राजा था लेकिन फिर भी उनको शाप मिला। सारे प्रजा का कल्याण जो था वो करते थे और सब असहाय नागरिकों की रक्षा करते थे, लेकिन फिर भी दुर्भाग्यवश पतित कलयुग के बहकावे में आकर एक अभागे ब्राह्मण पुत्र द्वारा निर्दोष महाराज परीक्षित को लांछित कराया गया और इस तरह राजा को 7 दिन में मरने के लिए तैयार होना था। यहाँ श्री प्रभुपाद जी महाराजा परीक्षित की कोई गलती नहीं दिखा रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक निर्दोष महाराज परीक्षित को लांछित कराया गया ब्राह्मण पुत्र के द्वारा। मतलब एक राजा है जो पूरे विश्व का राजा, एक सम्राट, एक तपस्वी के घर पे आया है, उसे प्यास लगी है, तो उस तपस्वी का, उस ब्राह्मण का ये कर्तव्य है कि अपनी साधना को छोड़कर उसकी रक्षा करे, क्योंकि राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है। राजा समस्त नागरिकों की रक्षा करता है, समस्त जो नगर है उसकी शांति संपन्नता राजा के ऊपर निर्भर करती है। तो क्या उस राजा का इतना भी अधिकार नहीं है? क्या वो इतना भी डिजर्व नहीं करता है कि वो यदि थक कर किसी ब्राह्मण के घर पे आए तो उसे एक पानी का गिलास दिया जाए? तो यहाँ पर महाराजा परीक्षित को श्री प्रभुपाद जी कहते हैं निर्दोष राजा, यानी कि उनका कोई भी कसूर नहीं था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था ऐसा जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, उन्होंने क्रोध भी नहीं किया था, लेकिन वो सिर्फ देखना चाहते थे, परीक्षण करना चाहते थे कि हमारे राज्य में जो सन्यासी हैं, जो तपस्वी हैं, कहीं वो ढोंग तो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा करने के बाद वो चले गए थे, लेकिन ब्राह्मण पुत्र ने निर्दोष महाराज परीक्षित को लांछित कराया और इस तरह राजा को 7 दिन में मरने के लिए तैयार होना था। महाराज परीक्षित विष्णु द्वारा रक्षा किए जाने के लिए विशेष रूप से विख्यात है। भगवान ने महाराजा परीक्षित की रक्षा वहां की जहां पर सबके करते हैं, लेकिन इतना प्रत्यक्ष सब अब ये हम नहीं कह सकते कि गर्भ में केवल महाराजा परीक्षित की रक्षा हुई है। समस्त जीव जितने भी हैं वो गर्भ में अत्यंत ही दुखित अवस्था में होते हैं और उस दुखद अवस्था में भगवान ही उनकी रक्षा करते हैं। सब माता के गर्भ में संतान की रक्षा भगवान ही करते हैं, लेकिन यह रक्षा परीक्षित महाराज के विषय में विशेष रूप से विख्यात है। अतएव जब एक ब्राह्मण पुत्र ने उन्हें वृथा ही शाप दे डाला तो यदि वे चाहते तो अपनी रक्षा के लिए भगवान की कृपा का आह्वान कर सकते थे,
अब भी यदि भगवान को कहते कि भगवान मैं मुझे इस शाप से बचा दीजिए तो वो कर सकते थे। ऐसा भगवान भी समर्थ थे, वो उनकी रक्षा भी करते, किंतु यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं किंतु शुद्ध भक्त होने के कारण उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहा, क्योंकि शुद्ध भक्त कभी भी भगवान से अनावश्यक कृपा की आशा नहीं करता। ये नहीं है कि जो भी आपत्ति हो, जो भी विपत्ति हो, उसके ऊपर भगवान की हुई, भगवान यहाँ ये प्रॉब्लम होगी ये सोल्व करो, भगवान ये प्रॉब्लम होगी सोल्व करो, भगवान ये प्रॉब्लम होगी ये सोल्व करो। नहीं, भगवान कोई हमारे नौकर नहीं है, हम भगवान के दास हैं। तो भगवान ने जो भी हमारे साथ किया है हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, भगवान को कहना चाहिए जैसा आपको अच्छा लगे ऐसा करो। तो ब्राह्मण पुत्र के श्राप को परीक्षित महाराज ने स्वीकार किया, क्योंकि इसके एक कारण ये भी है कि वो जन्म लेकर तो उन्होंने दिखा दिया संसार को किस प्रकार से जन्म होना चाहिए, गर्भ में किस तरह से भगवान की स्तुति करनी चाहिए, और जन्म लेने के बाद किस प्रकार से भगवान को ही सदैव स्मरण करना चाहिए। अब वो संसार को मरना सिखाना चाह रहे हैं, वो संसार को दे दिखाना चाहते हैं कि मृत्यु तो समस्त जीवों की एक न एक दिन आनी ही है, तो किस तरह से मरो, किस तरह से अपने जीवन के अंतिम समय में आपको भगवान को स्मरण करना है, भगवान की कथाओं का श्रवण करना है। तो परीक्षित महाराज चाहते थे कि मैं अपने जीवन काल में ही ये कर्तव्य भी पूरा करता हुआ जाऊं, ताकि जब जन सामान्य, जब साधारण लोग की मृत्यु हो, तो फिर वो भी उसी प्रकार से मृत्यु की अभिलाषा करें जिस प्रकार से मैं मृत्यु को स्वीकार करूंगा। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं महाराज परीक्षित को ज्ञान था कि, और अन्य लोगों को भी पता था कि ब्राह्मण पुत्र द्वारा दिया शाप अवैध है, वो जानते थे कि मुझे नहीं देना चाहिए था, वो अवैध है, किंतु वे उसका प्रतिकार नहीं करना चाहते थे, मगर नहीं चाहते थे कि मैं इस शाप को क्या प्रतिकार करूं। यहाँ से वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि यदि कोई शुद्ध ब्राह्मण है और वो कोई गलती भी कर रहा है तो सामान्य जनों को उसे स्वीकार करना चाहिए विनम्रता के साथ। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं किंतु वे इसका प्रतिकार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वे यह भी जानते थे कि कलयुग का शुभारंभ हो चुका है और इस युग का पहला लक्षण भी अत्यंत प्रतिभावान ब्राह्मण जाति के पतन के साथ प्रकट हो चुका है। बहुत ही प्रतिभाशाली ये ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी उनका पतन हो गया क्योंकि उनकी बुद्धि सही डिसीजन नहीं ले सकी और इतने शुद्ध, इतने महात्मा राजा को शाप दे दिया। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं कि वे काल प्रवाह के मार्ग में बाधक नहीं बनना चाह रहे थे, अपितु वे खुशी खुशी और उचित ढंग से मृत्यु वरण करने के लिए तैयार थे। उचित ढंग से वो जानते थे कि मृत्यु तो एक न एक दिन आनी ही है, लेकिन उचित ढंग से वो मृत्यु करना स्वीकार करना चाह रहे थे, और वो चाहते थे कि मैं तैयार हो जाऊं खुशी खुशी और बहुत ही सुंदर सुव्यवस्थित तरीके से मरना सिखाना चाह रहे थे। वे भाग्यशाली थे कि मृत्यु के लिए तैयारी करने के लिए उन्हें कम से कम 7 दिन का समय मिला था। श्री प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि आज के व्यक्ति को इतना सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, इसलिए आज से ही तैयारी शुरू कर लो। उनके पास तो 7 दिन थे, आपके पास तो 7 दिन, तो क्या 7 घंटे नहीं, 7 सांसें भी नहीं है, 7 मिनट्स भी नहीं, तो फिर कोशिश करनी चाहिए कि जो कार्य उन्होंने अंतिम समय में किया वो हम भी नित्यम भागवत सेवया। भागवतम में तो पहले ही कह दिया कि यदि कलयुग के प्रभाव को शांत करना चाहते हो तो नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, तो क्या करो, नित्यम भागवत सेवया, कंटिन्यूस भागवतम को श्रवण करो, रोज भागवतम को श्रवण करो। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं अतएव उन्होंने इस समय का सदुपयोग परम संत तथा
भगवत भक्त सुखदेव गोस्वामी के सानिध्य में किया। उनके पास उनका सौभाग्य था कि उनके पास समय था और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी का संग किया अंतिम समय में। तो उनसे हमें भी सीखना चाहिए कि हमें भी सदैव शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए और उनसे श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने के लिए याचना करनी चाहिए। और वही याचना आज शौनक मुनि अर्थात 88,000 ऋषि मुनि सूत गोस्वामी से कर रहे हैं और किस प्रकार से उनसे विनती कर रहे हैं, किस प्रकार से विनम्रता के साथ उन्हें ये उनके सामने ये प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपया हमें भी सुनाइए। हम सुनना चाहते हैं, हम सुनने के इच्छुक हैं, हम वही भागवत कथा को श्रवण करना चाहते हैं जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया। वे कहते हैं तदिदं श्रोतुम इच्छामो गदितुम यदि मन्यसे ब्रूहि नः श्रद्धधानानां यस्य ज्ञानं मदाश्रुकः तदिदं श्रोतुम इच्छामो गदितुम यदि मन्यसे ब्रूहि नः श्रद्धधानानां यस्य ज्ञानं मदाश्रुकः तदिदं श्रोतुम इच्छामो गदितुम यदि मन्यसे ब्रूहि नः श्रद्धधानानां यस्य ज्ञानं मदाश्रुकः। शौनक जी बड़ी ही विनम्रता के साथ कहते हैं कि तद इदम श्रोतुम इच्छामि। तद मतलब वो सारा तत्व, इदम जो उन्होंने बताया था, श्रोतुम सुनने को इच्छामि। सभी इच्छा कर रहे हैं, ये सारे जो ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, आप समझ रहे थे कि ये यज्ञ करने के लिए आए हैं, परंतु मैं वास्तविकता बता रहा हूँ कि वो सब इच्छा कर रहे हैं भगवान की कथाओं को श्रवण करने का। तो हम आपको आदेश नहीं दे रहे हैं, हम आपके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि यदि आप हमको योग्य समझते हो, ब्रूही न श्रद्धदानाना, हम सुनना चाहते हैं, हम सुनने के लिए बहुत बहुत उत्सुक हैं, हमारी बहुत बहुत श्रद्धा है, वास्तव में हम यही सुनना चाहते हैं, तो गदितुम यदि मन्यसे, यदि आप ऐसा समझ रहे हैं, यदि आपको लगता है कि हम योग्य हैं, वास्तव में यही श्रोता का भाव होना चाहिए कि हम तो योग्य नहीं हैं, लेकिन यदि आप वक्ता के विषय में उनको ऐसा सोचना चाहिए कि यदि आप समझते हैं हम योग्य हैं तो हमें बताइए, क्योंकि हम श्रद्धदाना हैं, हम बहुत उत्सुकता से सुनना चाहते हैं। आज तो कथावाचक व्यास आसन पर बैठता है उससे पहले ही उसको सीमित कर दिया जाता है, देखो हमारे पास आधा घंटा है, आपको इस आधे घंटे में कथा खत्म करनी है, चाहे श्लोक कंप्लीट होता है या पूरा कंप्लीट होता है, आधा कंप्लीट होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको आधे घंटे में बोलना है और उसके बाद व्यास आसन को छोड़ देना है। तो श्रवण के समय यदि हमारे अंदर उत्सुकता नहीं है, यदि श्रद्धा नहीं है, तो फिर वो वक्ता क्या बताएगा। ये कथा वास्तव में एक अमूल्य वस्तु है, लेकिन यदि आपके पास समय ही नहीं है तो भला क्या सुनेंगे और सुनाने वाला क्या सुनाएगा। श्रवण के समय श्रद्धा होनी चाहिए कि इससे बढ़कर और कोई भी कार्य हो ही नहीं सकता। ये भगवान की कथा वास्तव में सबसे ज्यादा अमूल्य वस्तु है। वक्ता को ये स्मरण होना चाहिए कि जीवन के लिए सबसे आवश्यक यही कार्य है, और उसे भी उस कथा में कोई अनावश्यक वस्तुओं को जोड़ के, इधर की स्टोरी, फिल्म की स्टोरी, फिल्म के गाने, शेर, ये स्टोरीज और ये जो थे ना लतीफे इत्यादि नहीं बताने चाहिए, एज इट इज पॉइंट टू पॉइंट बात करनी चाहिए, और उसे ये समझना चाहिए कि मैं जो बता रहा हूँ वो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जीवन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक कार्य है श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करना। और श्रोता को तो उससे भी अधिक उत्सुकता होनी चाहिए, उससे भी अधिक उत्कंठा होनी चाहिए, तभी वास्तविक ज्ञान प्रकट होता है।
और ये जो 88,000 ऋषि मुनि है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बड़ी बड़ी तपस्या, सारे ज्ञानी बैठे हुए यहाँ पर, वो सब क्या कह रहे हैं, ब्रूही न श्रद्धानाम यस्य ज्ञानम मदाशुक, यस्य ज्ञानम जिसका दिव्य ज्ञान अदात प्रदान किया था शुक, कैसे शुकदेव गोस्वामी ने ज्ञान दिया था और कैसे महाराज परीक्षित ने प्रश्न किए थे वो सारा हम जानना चाहते हैं। आप अगर योग्य समझते हो हमें तो कृपा करके हमें सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। अर्जुन को युद्ध करना था, मृत्यु उसके सामने खड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी भगवान को ये नहीं कहा कि कृष्ण इतनी बड़ी भगवद गीता बताने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट में बताओ जल्दी क्या करना है, ऐसा नहीं बोला, बल्कि क्या कहा 10.18 में, विस्तरीणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथयः तृप्तिर्हि शुण्वतो नास्ति मे मृतम्। विस्तरेणात्मनो योगम, विस्तार से बताइए, डिटेल से बताइए, मैं विभूतिम च जनार्दन आपकी विभूतियों के विषय में, आपके विषय में, आपके कार्यकलाप के विषय में, आप किस प्रकार से संसार में, पूरे संसार में विख्यात हैं, किस तरह से आप हो, वो जानना चाहता हूँ। वो यह कथा है तृप्तिर ही शर्वतो नास्ति में अमृतम, आपके शब्दों में इतना रस है, इतना अमृत भरा हुआ है कि आपके विषय में सुनकर मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, क्योंकि जितना ही अधिक आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही अधिक आपके शब्दामृत को चखना चाहता हूँ। और ऐसा ही कहते हैं नैमिषारण्य के ऋषि मुनि शौनक मुनि से कहते हैं, वयम तून वितृप्त्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यश्रोवताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, कि आप जो हमें बता रहे हो ना उसको सुनकर हमारी तृप्ति नहीं हो रही है, क्योंकि जितना अधिक सुन रहे हैं उतना ही अधिक स्वादु स्वादु पदे पदे। वास्तव में जो वास्तविक भक्त हैं, तो कृष्ण के विषय में श्रवण करते हुए उनकी कभी तृप्ति नहीं होती, किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित नहीं किया है अभी तक, वही कथा में बेजार होते हैं। तो जिनका दिव्य संबंध स्थापित हो गया है वे तो ये कहते हैं, यह श्रवताम रसज्ञानाम साधु साधु पदे पदे, वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते हैं, और जितना अधिक सुनते हैं उतना ही अधिक वे सुनने की इच्छा करते हैं। तभी तो यहाँ पर शौनक मुनि कह रहे हैं, तदिदम श्रोतुम इच्छामि, मैं हमारी इच्छा है, हम सुनना चाहते हैं, गदितम यदि मन्यसे, आप यदि योग्य समझ रहे हो, ब्रूही न श्रद्धाना, हमारी बहुत श्रद्धा है, हम जानते हैं कि कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कहीं आनंद है नहीं, तो जो यस्य ज्ञानम मदाशुक, जो शुकदेव गोस्वामी ने उनको ज्ञान दिया था वो हमें बताइए। अनुवाद, हम सभी अत्यंत आदर पूर्वक उनके महाराज परीक्षित के विषय में सुनना चाहते हैं, जिन्हें शुकदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया, कृपया हमें इस विषय में बताइए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को उनके जीवन के अंतिम 7 दिनों में दिव्य ज्ञान प्रदान किया, जिसे महाराज ने श्रद्धालु शिष्य की भांति ठीक से सुना। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर हमें गुरु शिष्य में किस प्रकार से आदान प्रदान होता उसके विषय में बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने श्रद्धालु शिष्य की भांति सुनना और शुकदेव गोस्वामी ने उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान किया, किसके द्वारा, श्रवण के द्वारा। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीमद् भागवतम के इस प्रकार प्रामाणिक श्रवण तथा कीर्तन का प्रभाव श्रोता और वक्ता पर समान रूप से पड़ता है, ये वास्तविक में प्रामाणिक विधि है। शिष्य को गुरु से सुनना चाहिए और गुरु को शिष्य को बताना चाहिए, इसी से वास्तव में प्रभाव पड़ता है, इससे दोनों को लाभ होता है। भागवत में भक्ति के जिन विभिन्न
दिव्य साधनों का वर्णन हुआ है, यदि उनमें से सभी या कुछ का या किसी एक का भी ठीक तरह से पालन हो तो वे समान रूप से लाभप्रद होते हैं। नवदा भक्ति के विषय में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, इनमें से सभी को थोड़ा थोड़ा किया जाए या अगर किसी एक को भी बहुत अच्छी तरीके से किया जाए तो अवश्य लाभ होगा। तो महाराजा परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी दोनों ही प्रथम दो साधनों के अर्थात श्रवण तथा कीर्तन के साधक थे। श्रवण कौन कर रहा है? कंटिन्यू श्रवण कर रहे हैं महाराजा परीक्षित। और कीर्तन क्या कर रहा है? देखो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी एक बात को और भी क्लियर कर रहे हैं कि जो कथा की जाती है ना वो भी कीर्तन होता है। कीर्तनात् देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत, इस कलयुग के कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण की कथा का होना आवश्यक है। तो कुछ लोग समझते हैं कि कीर्तन का मतलब केवल भगवान का महामंत्र का जप करना है जोर जोर से इंस्ट्रूमेंट के साथ, लेकिन खाली उसको भी कीर्तन कहते हैं, उसको संकीर्तन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कीर्तन बता रहे हैं श्री प्रभुपाद जी के सुखदेव गोस्वामी कंटिन्यूस कीर्तन कर रहे थे, अर्थात कीर्तन का मतलब है भगवान की कीर्ति को गाना। तो कीर्तन के साधक कौन है? सुखदेव गोस्वामी। अतएव दोनों ही अपने प्रशंसनीय प्रयास में सफल रहे। दिव्य अनुभूति ऐसे ही गंभीर श्रवण तथा कीर्तन से होती है, अन्यथा नहीं। श्री प्रभुपाद जी बहुत ही खास बात बता रहे कि ये कभी मत सोचना कि तुम श्रवण नहीं करोगे तो तुम्हें दिव्य अनुभूति होगी। कोई कोई भक्त ऐसे बोलते हैं, मैं तो भाई श्रवण करने का मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं तो व्यास आसन में बैठ जाता हूँ, गुरु महाराज की कृपा होती है, मैं भूल देता हूँ। गुरु महाराज की कृपा अवश्य होती है, परंतु आपके प्रयास को देखकर, आपकी साधना को देखकर। यदि आप साधना ही नहीं कर रहे हो, यदि आप प्रयास ही नहीं कर रहे हो, यदि आप श्रवण ही नहीं कर रहे हो, तो भला क्या आपके ऊपर गुरु महाराज कृपा करेंगे? क्या आप समझते हो कि गुरु महाराज आपसे प्रसन्न होंगे? यदि आप अपने साधन ही नहीं कर रहे हो, यदि भक्ति साधन का, तो श्री प्रभुपाद जी बताते हैं दिव्य अनुभूति ऐसे ही गंभीर श्रवण तथा कीर्तन के द्वारा ही होती, अन्यथा नहीं। इस कलयुग में गुरु तथा शिष्य संबंधी एक विशेष प्रकार का विज्ञापन हो रहा है। आजकल कलयुग में क्या हो रहा है? कहा जाता है कि गुरु द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा के द्वारा शिष्य में आध्यात्मिक शक्ति प्रविष्ट की जाती है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी आज के तथाकथित गुरु शिष्य जिनको कुछ ज्ञान नहीं होता है, वो बस ऐसे ही जिस प्रकार से इश्तेहारबाजी कर रहे हैं, उसके विषय में बता रहे हैं कि कहा जाता है कि गुरु द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा के द्वारा शिष्य में आध्यात्मिक शक्ति प्रविष्ट हो जाती है। एक ऐसे मतलब एक बिजली की लहर दौड़ती है, गुरु के मस्तक से पूरा ज्ञान शिष्य के मस्तक के अंदर डाल दिया जाता है, और उसका यहाँ विष्णु प्रभुपाद जी कहते हैं जिससे शिष्य को उसका आघात अनुभव होता है, फिर शिष्य के अंदर पूरा का पूरा ज्ञान आ जाता है, और जिससे वो अचेत हो जाता है, फिर वो सोचता है ज्ञान से इतना वो पूरा भर जाता है तो अचेत हो जाता है, उसकी चेतना खत्म हो जाती है, और गुरु तथाकथित आध्यात्मिक निधि के क्षीण होने हो जाने पर रोता है, और फिर गुरु क्या होता है, अरे मेरे अंदर से पूरा ज्ञान खत्म हो गया, अब शिष्य के अंदर चला गया, फिर वो रोने लगता है। तो श्री प्रभुपाद जी कहते इस युग में इस तरह का व्यर्थ विज्ञापन चल रहा है और निरीह जनता ऐसे विज्ञापन का शिकार बन रही है। इस तरह से उल्टा सीधा कुछ गुरु से सुना नहीं, कोई गुरु का आदर नहीं किया, भगवान ने कहा जाके उससे सुनो, प्रश्न करो, फिर ही तुमको ज्ञान देंगे, कहा उससे जाके एक है ना विद्युत बिजली की लहर लेकर आ जाओ और अपने अंदर ज्ञान डाल दो, तो ये कोई तरीका है नहीं। लेकिन श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे कि इस संसार में ऐसा चल रहा है और जो अब वो जनता है उसको छला जा रहा है, किंतु सुखदेव गोस्वामी तथा उनके परम शिष्य महाराज परीक्षित के आचरण के विषय में हमें ऐसी लोक कथाएं प्राप्त नहीं हुई थी। ऐसा नहीं किया था महाराज परीक्षित के पास तो सिर्फ 7 दिन थे, ऐसा नहीं बोला इतना बड़ा भागवत महापुराण है 18,000 श्लोक है, मैं तुमको क्या एक एक करके सुनाऊंगा, बैठो यहाँ पर एक बिजली की है ना, यहाँ से मैं USB निकालता हूँ तुम्हारे अंदर डालता हूँ तुम्हें सारा पता चल जाएगा। नहीं, मुनि ने अत्यंत ही भक्तिपूर्वक श्रीमद भागवतम सुनाई थी और राजा ने
उसे अत्यंत ही विनयपूर्वक सुना था, बैठ के सुना था, श्रवण किया था। यही विधि है ज्ञान प्राप्त करने की। राजा ने ना तो अपने गुरु से किसी प्रकार की विद्युत धारा के आघात का अनुभव किया था और ना ही अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करते समय वह अचेत हुआ था। अतएव लोगों को चाहिए कि वे वैदिक ज्ञान के इस निठल्ले प्रतिनिधियों द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के अप्रमाणिक विज्ञापनों के बहकावे में ना आए। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं थोड़ी अक्कल करनी चाहिए आज के लोगों को। जिसने अपने गुरु महाराज से श्रद्धा से सुना नहीं, विनम्रता से सुना नहीं और गुरु ने जिस शिष्य को ज्ञान दिया नहीं, तो क्या एक बिजली आकर बिजली की लहर विद्युत ज्ञान के द्वारा उसको ज्ञान आ जाएगा? हमें क्या चाहिए? श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ऐसे निठल्ले प्रतिनिधियों द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के अप्रमाणिक विज्ञान उसके बहका में नहीं आना चाहिए। जो वास्तव में गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आ रहा है, जिसने अपने गुरु महाराज के द्वारा श्रवण किया है, वही श्रवण विधि से आपको सुना रहा है। यही गुरु शिष्य परंपरा को भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में भी बताते हैं और यही गुरु शिष्य परंपरा को हम यहाँ पर श्रीमद भागवतम में भी श्रवण कर रहे हैं। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, नैमिषारण्य के ऋषि मुनि महाराज परीक्षित के विषय में आदर पूर्वक श्रवण कर रहे थे, क्योंकि उन्हें गंभीर श्रवण द्वारा सुखदेव गोस्वामी से ज्ञान प्राप्त हो रहा था। वास्तव में ज्ञान प्राप्त करने की एक ही विधि है कि एक शुद्ध वैष्णव के द्वारा श्रवण करो। दिव्य ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र साधन है कि उसे प्रमाणिक गुरु से गंभीर श्रवण द्वारा ग्रहण किया जाए। उसके लिए आश्चर्यजनक प्रभावों को उत्पन्न करने हेतु ना तो किसी चिकित्सीय कर्तव्य की और ना ही तांत्रिक योग की आवश्यकता है। कोई और कर्तव्य करने की जरूरत नहीं है, तांत्रिक क्रिया करने की जरूरत नहीं है, नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, बिजली के जो लहरें ना वो एक दूसरे में दोहराने की जरूरत नहीं है। क्या करना है? गंभीर श्रवण करना है। श्रवण के प्रति हृदय के अंदर उत्सुकता होनी चाहिए और सुनाने वाला भी प्रामाणिक होना चाहिए, जो इस शास्त्र के विषय में सुना है आपको। तो यदि ये तरीका है तो दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। भले ही हम कहते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, लेकिन हृदय के अंदर प्रकाशित तब होगा जब आप परंपरा से श्रवण करोगे। तो यहाँ पर उसके लिए आश्चर्यजनक प्रभावों को उत्पन्न करने हेतु ना तो किसी चिकित्सीय कर्तव्य की और ना ही तांत्रिक योग की आवश्यकता है। यह विधि सरल है, लेकिन एकनिष्ठ होने पर ही मनोवांछित फल मिल सकता है। एकनिष्ठ होना चाहिए कि जब मैं अपने गुरु महाराज से विनम्रता से श्रवण करूंगा, तभी वो मुझे दिव्य ज्ञान का रसामृत करवाएंगे और जब मैं उस रसामृत का पान करूंगा, तभी वो दिव्य ज्ञान मेरे हृदय के अंदर सुफूर्त होगा। और कोई तरीका नहीं है। तो ये नैमिषारण्य में बैठे हुए 88,000 ऋषि मुनि अत्यंत ही सुंदर बात पूछ रहे हैं और अब सुत गोस्वामी अत्यंत ही सुंदर उसका उत्तर देंगे। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।